नमस्कार दोस्तों, ये सवाल परेशान कर रहा है ना कि सिर्फ तकरीबन 2 महीने 60 दिन तकरीबन बचे हैं, अब क्या करें। एग्जाम तो आ गया बस सर पे, तैयारी नहीं हुई है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है जी सर, तैयारी नहीं हुई। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे अभी नहीं भी पढ़े हैं, डिटेल में नहीं पढ़ा है। आपने जो कोर्स कराया हमने 80% देख लिया है, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप जो है, देखो एक चीज, पहली बात तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी लेती है सालों, और आप चाहे 2 साल और तैयारी कर लो, उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि तैयारी तो अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वो पूरी कब होती है? जब आप मिशन मोड पे आ जाते हैं, आप अच्छे से जो है अपने सारे टॉपिक्स कवर करने लगते हैं, आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे जो है वो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। लेकिन वो आइडेंटिफाई भी तो करना जरूरी है ना। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा कि क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, क्या पढ़े क्या छोड़े। कितनी बार भी पढ़ लो, कितनी बार भी रिवाइज कर लो, लास्ट में फिर वही स्टेट आ जाती है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, अब सिलेबस हाफ डन या पार्शियली डन, यही समझ में नहीं आ रहा कि आधा हुआ है, पार्शियली हुआ है, कितना हुआ है समझ में नहीं आता ना, क्योंकि जीएस इतना बड़ा है। इतना बड़ा जीएस कवर करने के लिए फिर एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या मैं ये एग्जाम क्रैक कर भी पाऊंगा? क्या बचा हुआ टाइम जो है वो इनफ है? ये सवाल आ जाता फिर से दिमाग में। और अब समय है अपनी वीकनेसेस को पहचानने का। वीकनेसेस पहचानने के लिए सिंपल सा एक काम करो, जहां से भी मिलते हैं जितने भी एमसीक्यूज, वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज लो, वैसे ले लोगे तो बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जो अभी भी नहीं ले रहे हैं वो ले लेंगे बाद में, मुझे पता है, वो अपने कर लेना है। लेकिन जहां से भी क्वालिटी एमसीक्यूज आपको अच्छे वाले मिले जो आपकी तैयारी बूस्ट करें, वो एमसीक्यूज करना शुरू कर। ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज से करो जो आपको बहुत फायदा देगी, चाहे कहीं से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिले तो वो सारे अटेम्प्ट करो। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कि टॉपिक्स जो हैं किन पे फोकस करने की जरूरत है। आपने करना क्या कि जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें, जिसमें सारे सेक्शंस कवर्ड हैं ऑलमोस्ट, वैसे ही करना। ठीक है, उसमें आपने टॉपिक्स निकाल के रख लो, यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो टॉपिक करो और वो पूरी जो है वो चीजें आपको कवर कर लेनी चाहिए। अभी भी 2 महीने हैं, आप वो कवर कर पाओगे, लेकिन पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने शुरू करो। आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा वीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज यही तो आइडिया देती है, अबे यही इसी के लिए तो होता है वो सब कुछ। एमसीक्यू क्यों अटेम्प्ट करने होते हैं? अच्छी क्वालिटी के जो टेस्ट बने हैं वो यही तो आपको आइडिया देना चाहते हैं। और ये एक और सबसे बड़ी बाधा कि भाई ये नहीं पता चल रहा कि जो पार्ट कवर हुआ है क्या वो सच में रियली कवर हो गया है, क्या आप उसके एमसीक्यूज करने लायक बन गए हो या नहीं हुए बने हो, या डर रहे हो पता नहीं कि भाई नहीं खराब हो गया तो क्या होगा। अरे जितने क्वेश्चन करोगे उतना घिस जाओगे, और घिस घिस कर ही तो जो है एक इंसान जो है सही मुकाम हासिल करता है। तो वो करना शुरू करो, अपने आप को घिसाओ, जितने क्वेश्चंस देखोगे आइडिया देता जाएगा, ये टॉपिक वीक है लिख लो, ये टॉपिक वीक है इस सब्जेक्ट का, ये टॉपिक वीक है इस सब्जेक्ट का, आपको मदद करेगा। कौन सा रह गया है पर्टिकुलर, उस टॉपिक पे फोकस करो, उसको पढ़ो, जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपसे नहीं हुए वो आपके लिए बन गया ना टारगेट। अब ये 2 महीने में वही टारगेट करना है यार, सिर्फ 3 घंटे लगाओ एक टेस्ट दो, उसके अलावा 2 घंटे उसका देखने में लगाओ कि भाई 5 घंटे बीत गए, बाकी का दिन आपके पास है। अब समय वेस्ट नहीं करना, घूमना फिरना बंद करो, जो घूमने चले जाते हो ना तुम, वो घूमना बंद कर दो, 2 महीने रह गए, सीरियस हो जाओ। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि इस बार का पेपर निकल जाएगा, फिर सोचोगे कि अगले बार का देंगे, एक साल के बाद भी इसी स्टेट में रहोगे। तो ये नहीं करना, आज अपना फोकस बिल्कुल सही रखो पेपर की तरफ। 5 घंटे टेस्ट दिया, आइडेंटिफाई किए अपनी जो कमजोरियां है, और फिर लग गए फिर वो वाले टॉपिक्स कवर करने जो आपके अब तक जो है आपको लग रहा है कि ये कवर नहीं हुए। या फिर कई बार देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कवर हो गए, हमने टीचर के लेक्चर देखे, हो गया जी, लेकिन आप क्या उसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हो? अटेम्प्ट तो तभी कर पाओगे ना जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, एग्जाम क्रैक करने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, समझ गए? तो ये ही फाइनल तरीका है, इसी पे आपको फोकस करना है।
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर लो, अपनी कॉपी बनाओ उसमें आइडेंटिफाई कर लो कि जी हिस्ट्री से मेरे ये चार टॉपिक्स जो हैं मुझे लग रहा है वीक हैं, मुझे इनको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, ये मेरे बिल्कुल कवर नहीं हुए, ये मुझे करने की जरूरत है। ज्योग्राफी से, या ज्योग्राफी तो खैर ज्यादा है नहीं, एपीएससी में है थोड़ा बहुत, वो सर कराएंगे अभी, लेकिन और जो जैसे पॉलिटी है उसका देखो, पॉलिटी में क्या क्या मैंने कर लिया कवर, क्या रह गया, फिर देखो आपका इकोनॉमी से क्या क्या कवर हो गया है और किस किस में वीकनेसेस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे किस किस टॉपिक से, आपको ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी तभी एग्जाम क्लियर हो सकता भैया। बाकी आप अपने फ्यूचर के लिए खुद आपको पता है कि क्या करना है, आप सोच लो। क्वेश्चन जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना आपके पार होने के चांसेस हैं। टेस्ट सीरीज लेना ना लेना वो आपकी जो है, वो आपका जो कॉल है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, आप कहीं और से जहां से अच्छे क्वेश्चन मिले भैया वो करो, पर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय भारत, जय हिंद।